हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हिडन ब्यूटीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो नेदरहाट का होने वाला है, और जैसा कि दीदी आई हुई है शादी के बाद, तो उनको भी एक ट्रिप चाहिए था। हम लोग ने डिसाइड किया कि नेदरहाट का एक ट्रिप होना चाहिए, फैमिली ट्रिप। तो बहुत दिन के बाद फैमिली के साथ निकल रहा हूँ यहाँ से, खूटी से सीधे नेदरहाट के लिए। बहुत सारा काम था उसको करने के बाद, अभी लास्ट टाइम जो है, अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं इंट्रो देने के लिए। इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से पैकिंग करके यहाँ से निकलना है हम लोगों को, और बारिश का मौसम है, देखते हैं वहाँ जाके नेदरहाट में कि बारिश आता है तो हम लोग का ट्रिप ख़राब होता है या फिर अच्छा होता है, या फिर किस टाइप का वहाँ एक्सपीरियंस रहता है यहाँ बारिश के मौसम में। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में मैंने यहाँ खूटी से देखा था नेदरहाट का जो वेदर था वो थोड़ा बारिश वाला था, 40% to 50% के अराउंड बारिश हो रही है वहाँ पर। लेट्स सी कैसा लगता है और क्या होता है वहाँ जाके। काफ़ी एक्साइटेड है फैमिली के साथ, और थोड़ा सा नर्वस भी कि वहाँ बारिश हो गया, अगर बारिश हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, फैमिली को दिखाता हूँ बाद में। यहाँ इस टाइप की मेरी पैकिंग चल रही है, कैमरा लैपटॉप सब बिखरा पड़ा है, सारा चीज़ को समेटना है, लगेज उधर से उठाना है। ज़्यादा इंट्रो देना नहीं है क्योंकि लेट हो रहा है, भैया भी फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, बाद में मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, रात के बज रहे हैं 8:20 और हम लोग नेदरहाट पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि बीच में एक्सीडेंट हो गया था दो ट्रक के बीच में। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ड्राइवर सब सेफ था, बस ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, बॉक्साइट वाला ट्रक था। उसके चलते एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक दो था, उसके चलते इतना ज़्यादा जाम हो गया था, रश हो गया था कि दोनों साइड आने वाला जाने वाला दोनों मतलब पार हो नहीं पा रहा था गाड़ी। उसके चलते लेट हो गया, नहीं तो हम लोग को लगता है कि 1 घंटा पहले यहाँ पहुँच जाते। और घाटी में जो था थोड़ा कुहासा था, और लास्ट में हम लोग यहाँ पिछले बार जो लॉज में रुके थे वहाँ नहीं रुके हैं, दूसरा लॉज में रुके हैं भैया के हिसाब से। इस बार जो है लॉज यहाँ का रूम रेंट है 800, भगवती लॉज नाम करके है। यहाँ होटल सनराइज़ जो है उसके जस्ट सामने वाला है, और यहाँ खाने वाने सबका सुविधा है। अभी एंट्री कर रहे हैं यहाँ, और फैमिली लोग सब आगे बढ़ चुका है। यहाँ मेरा एक डॉगी से मुलाकात हुआ है, इसका नाम नहीं पता मेरे को, बट बहुत फ्रेंडली है। भाई टाइगर टाइगर देखिए, टाइगर। ये है लॉज, और यहाँ किचन वगैरह सब है, खाने वाने का दिक्कत नहीं है कहीं भी। डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं, और बाकी यहाँ का सारा व्यू मैं आप लोगों को कल दिखाऊँगा। और नेक्स्ट टाइम लास्ट ईयर मैं यहाँ आया था, पर मेरे को मतलब उस समय मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं किया था, उसके वजह से रिकॉर्ड कर नहीं पाया, अपलोड कर नहीं पाया, आप लोगों को नेदरहाट दिखा नहीं पाया। जैसा भी होता है, फैमिली है तो ज़्यादा तो इधर उधर घूम नहीं पाऊँगा, पर जितना भी घूमूंगा सारा जगह आप लोगों को दिखाऊँगा। मिलते हैं डिनर के टाइम, और फैमिली से इंट्रो कराता हूँ इस बार। तो कैसा लग रहा है नेदरहाट पहुंच के, फर्स्ट टाइम फैमिली ट्रिप? बहुत 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 मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कुछ भी अच्छा लग रहा है अभी। हाँ। मैडम, हम अपना मैडम को ले आए हैं। अच्छा, पापा अपना मैडम को लाए, बहुत परेशान हुए। अच्छा, पापा अपना मैडम को फैमिली नहीं आए, परेशान हो गए। हम मैडम को सोचे घुमा देंगे, लेकिन हम परेशान हो गए, घूम रहा है मेरे अभी हम लोग के साथ में आपसे भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अभी रात का फिलहाल यही प्लान है, अभी हम लोग साथ में है, चल रहे हैं।
फ्रेश होते हैं, डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं और कल सुबह जो है हम लोग घूमने को निकलते हैं। अभी निकलेंगे घूमने। अच्छा अभी नाइट वॉक में निकलेंगे अगल बगल में चलेंगे, अभी पहले लंच कर लेते हैं, पहले डिनर कर लेते हैं। हम लोग फुल फैमिली है इसीलिए एकदम मस्त बिंदास एंजॉय कर रहे हैं, बिंदास। साहिल को मिस कर रहे हैं, साहिल को मिस कर रहे हैं। साहिल जी, जिया जी आपको मिस कर रहे हैं, खाना नहीं पर जल्दी आपके साथ कोई ट्रिप प्लान करेंगे। साहिल आएंगे तो फिर आएंगे हम लोग दोबारा, ठीक है दोबारा। घड़ी भी है, 37,000 का घड़ी है। अभी तो आपको रेट कम हो गया, ये आप ले सकते हैं। इसे फोर्ड करके बीच में पता चलता है ना? नहीं, थोड़ा देर रहने के बाद ना सरता है, पीस कर। हाँ उसको ना तुम थोड़ा टुकड़ा करके तो बना देना, उस टुकड़ा नहीं होता है सर, आपके साथ में बनाना पड़ेगा। सो डिनर का ऑर्डर दे चुके हैं और एक घंटा के लगभग लगेगा, थोड़ा सा लेट पहुँचे उसके चलते हम जहाँ रुके थे हम लोग वहाँ रुके, मतलब हम लोग जहाँ रुके वहाँ अब ऑर्डर ले नहीं रहा है क्योंकि बता रहा है कि वहाँ शायद आज कुक आया नहीं है। सो लोग किसी तरह मैनेज कर रहा था, बोल रहा है कि पर अब ऑर्डर ले नहीं पाएंगे। सो बगल में ही एक रेस्टोरेंट था, उसमें ऑर्डर दे चुके हैं खाने का, किसी तरह चलना है फिर उसके बाद बाकी कल कुछ डिमांड वाला खाना खा सकते हैं। सो कार भी अंदर करते हैं, पार्किंग अंदर है जगह, और डिनर का वेट करते हैं। और रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं नेतरहाट की खूबसूरत वादियों का मज़ा ले रहा हूँ, मतलब नाइट वॉक में निकल गया हूँ। जब तक हमारा डिनर तैयार हो रहा है मैं टहल रहा हूँ अकेले, भैया निकले हैं बाहर, उन्होंने फ़ोन किया था। सो फैमिली रूम पे है और अगर मन किया तो शायद मुझे रात भर नींद नहीं आएगी क्योंकि मुझे ऐसी जगह पसंद है, बहुत पीसफुल जगह है, एकदम हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, शांत एकदम। ये मेरे लॉज का रास्ता है। सो आप लोग अगर आना चाहते हैं कभी भी तो आ सकते हैं। और हाँ, ये अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर से समझ लीजिए बारिश जहाँ ख़त्म हुआ तो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा फरवरी तक, कम से कम फरवरी तक घूमने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस और बेस्ट मतलब टाइम रहता है घूमने का नेतरहाट, क्योंकि आपको उस समय सनराइज़ सनसेट एक अलग ई में दिखेगा क्योंकि एक ऊंचा सा एरिया है ना यहाँ, तो आपको सनराइज़ सनसेट दिखेगा, कोहरा दिखेगा अच्छा खासा कोहरा, जिसमें आप सस्ता ऊटी भी सैर कर सकते हैं। सो हरी अप गाइस, अगर नहीं घूमे हैं तो प्लीज़ घूमिए, विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा जगह है और एक फैमिली ट्रिप के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। सो बीच बीच में लाइट लगा हुआ है इस टाइप का, इसे चलते कहीं मैं दिख रहा हूँगा कहीं नहीं दिख रहा हूँगा। लास्ट ईयर आया था तो कोविड के समय आया था मैं, सो फ्रेंड्स के साथ, उस समय सारा कोई ऐसे कोविड वाला सर्टिफिकेट वगैरह डोज का सर्टिफिकेट लेके ही आया था। सो उस समय खाने वाने का थोड़ा दिक्कत था, रूम वूम का भी दिक्कत हुआ क्योंकि कोविड के चलते बहुत यहाँ मना किया हुआ था, बहुत कहीं निकल नहीं रहे थे और बहुत सारा होटल लॉज सब बंद था उस समय। सो फाइनली डिनर हो चुका है हमारा और सोने का तैयारी हो रहा है, सब लोग बेड पकड़ चुके हैं। अब गुड नाइट, उम्मीद करो कि कल का दिन ठीक ठाक रहे, बारिश ना हो और सनराइज देख सके और कुहासा रहे तो भी अच्छा लगेगा। सो कहाँ चलना है कल, कुछ प्लानिंग है किसी का? और नाशपति बागान भी है, बेतला पार्क जाएंगे और लोथ फॉल जाएंगे, अपर गागरी, नाशपति बागान, सागर लेक। सो बहुत सारा जगह है घूमने को नेतरहाट में, सो देखते हैं कि कल कितना सारा एरिया हम लोग कवर अप कर पाते हैं और जितने सुनेज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि फैमिली ट्रिप कैसा रहता है और कैसा इंजॉय करते हैं, और जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर अप करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय। सो सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरी नींद खुल चुकी है, कुछ इस तरह का नज़ारा है,
चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लग रहा है और मौसम तो साफ लग रहा है आज का घूमने लायक। तो उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो चलिए अब सीधा सुबह मिलते हैं। हेलो एवरीवन, और ये बज रहे हैं सुबह के 6:20 और फैमिली के साथ मैं आ चुका हूँ होटल सनराइज़। जो है मेरे पीछे दिख रहा है, इसके पीछे सामने जो है सनराइज़ पॉइंट भी है, तो वही देखने के लिए आया हूँ। सो रिसेंटली अभी दीदी से लड़ाई हुआ, फिर भैया, मतलब फैमिली ट्रिप में इसी टाइप का होता है, आसपास में साथ में सबका लड़ाई हो रहा है। सो भैया का लड़ाई हुआ और क्योंकि लगेज की वजह से, मतलब उसका कपड़ा नहीं आया ढंग का, और फिर दीदी का लड़ाई हुआ क्योंकि उसको अपने पसंद का ड्रेस नहीं मिला, मतलब पहन नहीं सके। सो अभी सनराइज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट मौसम जैसा है मौसम के हिसाब से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और वेदर जो है थोड़ा सा बादल किया हुआ है, उसके चलते हम लोग सूरज जो है निकल नहीं रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे तो यहाँ से जो था रेडिश कलर का था, और सनराइज़ का जो कलर था वो थोड़ा रेड था। सो उसके वजह से पूरा अच्छा खासा एक व्यू बनता है जो कि देखने को नहीं मिल रहा है, बादल ढका हुआ है, बस कुहासा है। सो यहाँ इसी टाइप का नज़ारा दिखने वाला है आज, और बाकी हम लोग दूसरी जगह दिखाएंगे आप लोगों को। अब भीड़ देखिए उतना ज़्यादा तो नहीं है मौसम के हिसाब से, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है इस टाइप का। सो बाकी जो होने वाला है धीरे धीरे होगा, बारिश छूटेगा तो फिर टूरिस्ट आएंगे तो ज़्यादा भीड़ लगेगा। सो इन्जॉय करते हैं और देखते हैं आगे कैसा चलता रहता है। यहाँ यस अप माय फैमिली, भैया उधर। सनराइज पॉइंट के नीचे हम लोग जा रहे हैं, और मौसम थोड़ा सुधार है क्योंकि धूप निकल चुका है, बट उस तरह नहीं जैसा हम लोग हर बार देखते हैं, मतलब मौसम थोड़ा सा डाउन है, मतलब रेडिश जो होता है ना सन का कलर जो होता है निकलने समय, सनराइज़ के समय रेडिश दिखता है इसका, तो उस टाइप का कलर नहीं दिखा है ऐसे नॉर्मली, अचानक से मतलब सन निकल गया। सो उतना फील नहीं आया देखने के लिए। अरे नीचे का नज़ारा, फोटो शूट के लिए हम लोग लगे हुए हैं, इसके बाद निकलेंगे कहीं और। भैया फोटोग्राफर, इधर पार्क वार्क कुछ है छोटा मोटा, लास्ट टाइम मैं आया था बट इधर नहीं उतरा था। सो यहाँ देखिए इस टाइप का पूल बना हुआ है, बोट रखा हुआ है, ये पार्क है, थोड़ा बहुत पिछले बार से डेवलप हुआ है, कुछ कुछ जगह है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। रूम के बगल में ही एक है, वो टाइगर रिजर्व करके घेर दिया गया है, वो भी पहले नहीं था, वो अभी रिसेंटली बना होगा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आया था उस समय कुछ नहीं था इस टाइप का। अभी तक नेत्रहाट सनराइज़ पॉइंट पे ही अटके हुए हैं, निकलना है निकलना है, बोले किसी को फ़ोटो शूट करना है, किसी को झूला झूलना है, पार्क में पापा झूला झूल रहे हैं उसके वजह से लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत सारी जगह है, दिन भर कैप्चर करना है, उस नाश्ते किसी तरह जल्दी से हो जाए और निकल जाना है फिर। ये नीचे से ऊपर सनराइज़ होटल का व्यू, और फाइनली और लास्टली यहाँ से निकल रहे हैं सीधा कंप्लीट, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकल चुका है और कुछ खास अब मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो सीधा पाइन फॉरेस्ट चलेंगे या फिर कहीं भी इस टाइप का जगह। सो वी आर लिविंग हियर, सो फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम हियर, सनराइज़ पॉइंट से निकल रहे हैं और नाश्ता का तैयारी कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और भैया का कहना है कि बेतला नेशनल पार्क जाना है, पर पापा का कहना है कि बहुत दूर है, ऊपर से लोधपोल जाना था, लोधपोल भी बहुत दूर है। सो पहले यहाँ पाइन ट्री और एक दो लेक है, और फ़ोटो शूट के लिए एक दो जगह है, वहाँ जाके देख लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे उधर जाने का। उम्मीद कम लग रहा है उधर का पापा के साथ, पापा का मूड ख़राब है, ऐसे भी मूड ख़राब नहीं है लेकिन थोड़ा दूर है ना, इसीलिए जाने से मना कर रहे हैं।
सो लेट्स गो, पहले नाश्ता देखते हैं क्या मिलता है आज। सुबह का ब्रेकफास्ट शेजवान चटनी में घर से लाया था, और इधर ब्रेड ऑमलेट, और इसका कॉम्बो एक नंबर है, ये अंकल बनाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कौन सा तारीख है, आज 24 तारीख है, आज नेत्रहाट का दूसरा दिन, क्योंकि कल रात में पहुंचे थे तो आज हम लोग का मेरा दूसरा दिन हो गया। सो नाश्ता हो चुका है, और सबसे पहला जो है देखने का जगह वो अपर घाघरी आ चुके हैं। सो लास्ट टाइम आए थे तो हम लोगों को जगह ही नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा फोगी वेदर था कि रास्ता मिल नहीं रहा था, तो उसके चलते हम लोग आ नहीं पाए थे। सो दिस इज अपर घाघरी, मतलब इसका जो पार्किंग एरिया है, यहाँ पे लिखा है अपर घाघरी लातेहार पर्यटन, ये लातेहार पड़ता है नेत्रहाट। सो ये जो है यही वाला रास्ता है, पीछे पापा मम्मी दीदी भैया सब है। सो एक्साइटेड हैं फर्स्ट टाइम देखने के लिए अपर घाघरी, क्योंकि लास्ट टाइम तो देखे नहीं थे। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसा दिखता है, क्योंकि अभी तो अब बारिश हुई है तो हो सकता है थोड़ा सा पानी ज़्यादा होगा, तो उसके चलते ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। और यह है अपर घाघरी का नज़ारा, बरसात की वजह से पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि पानी पूरा गंदा हो गया है, तो नहाने लायक भी नहीं है और जाके नीचे फ़ोटोशूट करने लायक भी नहीं। और फैमिली है, मम्मी दीदी है, तो उसके चलते भी नीचे जाना बेकार है, क्योंकि वो लड़के लोग नहा रहे हैं, सो उनको भी अनकम्फर्टेबल लगेगा। इधर मम्मी लोग हैं तो इनको भी नीचे ले जाना ठीक नहीं। सो इसके वजह से यहीं तक देख के ऊपर अब रिटर्न होते हैं। सो यही है जो है अपर घाघरी का नज़ारा, थोड़ा आगे चल जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ आगे से। अपर घाघरी के बाद हम लोग पाइन फॉरेस्ट गए थे, बट पाइन फॉरेस्ट का नज़ारा कुछ ढंग का था नहीं, क्योंकि धूप बहुत था और बारिश के कारण पूरा ऑफ रोड बन गया था, रोड गड्ढे और बारिश का पानी जो पूरा भर गया था, तो उसके चलते भी ठीक नहीं आ रहा था नज़ारा। तो उसके चलते वहाँ कुछ रुका रुके कुछ नहीं किया, छोटा मोटा एक दो फोटो शूट किए और निकल गए।
सो उसके बाद हम लोग आए यहाँ नेत्रहाट के जस्ट बगल में एक डैम है, दो डैम है, तो दूसरा वाला जो डैम है उसमें आए हैं। सो हम लोग यहाँ नहाने का मन है, सो अभी रुके हैं फैमिली के साथ, नहाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे लंच के लिए। सो इंजॉय करेंगे, देखिए यहाँ का नज़ारा। आज फर्स्ट टाइम पापा के साथ, फैमिली के साथ। मम्मी उधर है, मम्मी घास साग तोड़ रही है ना, साग तोड़ रही है। क्या चाहिए? सो नहाना हो गया कंप्लीट और अब निकलेंगे यहाँ से सीधे रूम के लिए। फिर रूम के बाद जो खाना ऑर्डर दिए हैं लंच वो करना है, फिर उसके बाद कहीं और। नेत्रहाट आए हैं लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हाँ नेत्रहाट में हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग एक भी जगह विजिट नहीं किए हैं ढंग से जहाँ मतलब लगे कि हाँ नेत्रहाट का जगह है। जैसे सबसे पहले अपर गागरी गए, वहाँ गए तो वहाँ ऊपर से ही निकल गए थे। फिर पाइन फॉरेस्ट गए तो वहाँ भी गए लेकिन हम लोग को ढंग का कुछ लोकेशन दिखा नहीं। उसके बाद यहाँ ये डैम आए थे, एक ये डैम मिला जहाँ नहाने के लिए आए थे, ऐसे खास घूमने कोई रीजन नहीं था। पीछे एक पार्क है जहाँ टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, देखिए। सो ये पार्क अभी तक चालू नहीं है, मतलब इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। नेत्रहाट के जो टूरिस्ट लोग हैं, नेत्रहाट घूमने जो आए हैं, वही लोग इधर घूमने आए, एंट्री कर रहे हैं। तो अभी जब उद्घाटन हुआ नहीं है तो हम लोग नहाने से भी मना कर रहा था, बोटिंग वगैरह कुछ अभी चल नहीं रहा है। सो निकलना है अब यहाँ से, कुछ ऐसा घूमने वाला नहीं है, अगर चलता तो हम लोग भी एंट्री कर सकते। हम लोग तो पीछे वाला गेट से एंट्री किए हैं, घुसे। अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब इसके बाद चलेंगे सीधे रूम, और रूम के बाद जहाँ घूमना होगा वो जो लोकेशन हम लोग रहेगा। मेरे को फ़ोटो शूट तभी से चल रहा है। सो ये होता है फैमिली ट्रिप, हर दो मिनट में लड़ाई झगड़ा चल रहा है एक दूसरे में। हम लोग का अभी ऐसा हो गया है कि बात ही नहीं हो रहा है, सब अपना अपना धुन में। सबसे आगे दीदी चली है, उसको जगह पसंद नहीं है। मम्मी यार मौका में वीडियो बना रही थी और हम लोग टोक दिए कि चलिए, बोल के मम्मी अपना फ़ोन भी फेंक के चलिए। बेचारे पापा अकेले चढ़ पड़, मतलब पीछे पीछे चले हैं, पीछे भैया अकेले। इसका अलग नाटक है कि इसका मनपसंद कपड़ा नहीं आया, ड्रेस नहीं आया, तो इसके चलते ही फ़ोटो शूट नहीं कराया अपना। मेरा क्या है, मैं तो मुसाफिर हूँ, फकीर आदमी निकल पड़ेगा। मैंने तो ऑफिस चले जाना है। फेस वॉश ढूंढो इसके लिए। मोबाइल भी छोड़ दिया, अब तो घरों में रहने मन नहीं करेगा आपको। लेकिन आदत हो गया था ना मोबाइल का, आदत हो गया था। लेकिन आगे कुछ दिन पहले से जो था ना आपका, आदत हो गया था, दिन भर मोबाइल में रहते थे। ढूंढ रहे इसको, लगा ना खाली खपा दो, फेस वॉश ढूंढ रहे हैं इसका। पता नहीं रील उल कैसे बनेगा। और ये है फैमिली ट्रिप। अपनी कहानी कैसे कहें तुम्हें, अपनी कहानी दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। लेकिन चोरी तो चोरी होता है ना मम्मी, फूल चोरी कीजिए चाहे कुछ, चोरी तो चोरी होता है, तो चोरी करना ठीक नहीं। राहुल पैसा 300 कटवा दो होटल में। तो अभी चेकआउट कर रहे हैं लंच के लिए, फिर ऑर्डर था मिलने का। सो इसका नाम रॉकी है, बाय बाय रॉकी लेब्रा, फिर मिलेंगे। है सब ब्लैक ही मिलते हैं। बाय बाय रॉकी, बिस्किट खा लिया एक ही बार में, चारों बिस्किट खा लिया ना रॉकी। मतलब कभी कभी लें, मतलब ब्रीड वाला ऐसा हमको ना देख के ख़राब लगता है।
हम लोग देखो मस्ती से है, लोग लाइव देखो ना किसी तरह, रात में 2 बजे मारा है, खुल गया होगा तो डस्टबिन गिरा दिया था। बाद में मिलेंगे, फिर आएंगे, बाय बाय कालू। कितना कर जाएगा, हम सोच रहे थे रात में उठ के बोल देने, पसंद है तो बोलिए ले जा रहे हैं। चेकआउट हो गया है, आने तरह ऐसा नहीं कि नहीं है। सो लंच कंप्लीट है और अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है, और अभी हम लोग चलेंगे बंदर को बिस्किट खिलाने। तो बंदर को बिस्किट ले लेंगे अभी, ठीक याद है बिस्किट लेने के लिए, 2 पैकेट बिस्किट यहाँ से लेना है, और बहुत सारे बंदर है वहाँ पे। और आप लोग अगर बिल्कुल रोहन के जैसे दिखने वाला बंदर है ना, मित्राट अगर आ रहे हैं और एक मिनिमम रेट में आपको लंच या फिर ब्रेकफास्ट या कुछ इस टाइप का चीज़ चाहिए डिनर वगैरह का, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक छोटा सा होटल है, लास्ट टाइम जो है लास्ट ईयर मैं यहाँ आया था, तो उसके उस समय जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, क्योंकि एक छोटा सा आपको दिखेगा ये होटल नागवंशी। जैसे अगर नागवंशी ना मिले तो आपको होटल पैराडाइज या फिर होटल आरोही, इसके अगल बगल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके अगल बगल आपको ये मिलेगा और यहाँ आइए, मतलब इसका फ़ायदा ये है कि जो आप अपने हिसाब से फ्रेश चीज़ बनवा सकते हैं, अपना डिमांड कर सकते हैं, बता दी ठीक है, और अपने हिसाब से डिमांडिंग बना सकते हैं, फ्रेश बन सकता है और एक मिनिमम रेट बनेगा, यहाँ ज़्यादा चार्ज लगता नहीं है। तो लास्ट टाइम मैं आया था तो बनाया था, और अभी भी आया हूँ तो थोड़ा सा डेवलप किया है, मतलब चेंजेस है हल्का फुल्का, और बस चल रहा है एज यूजुअल। जैसे नाश्ता में आपका देख लीजिए, यहाँ मैगी और ब्रेड वगैरह है, अंडा है, पोच है, केक है, इस टाइप का चीज़ आपको नाश्ते में मिलेगा। और ऑर्डर के हिसाब से जैसे अगर रोटी वगैरह हो, रोटी होता है, आलू पराठा होता है, इस टाइप का चीज़ अगर होता है तो सबका ऑर्डर में हो जाता है, और एक मिनिमम रेट जो आपका बेनिफिट रहेगा यहाँ आके, सबका एक अच्छा रेट में मिलता है। और ये मेरा लास्ट ईयर मिला हुआ फ्रेंड है राज, हाय बोलो। सो लास्ट ईयर इसी के साथ आए थे, इसी के पास हम लोग का डिनर विनर सब हुआ था, लंच डिनर ब्रेकफास्ट यही सब हुआ था। तो इसका नंबर पिछले साल मेरा गुम हो गया था, बट मेरे को लगा कि उम्मीद था कि मिल चुका, मतलब मिलेगा ये, और वही हुआ कि राज मिला मेरे को। इस बार नंबर ले लिए हैं, और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैंशन करूँगा। सो इसका नंबर आप लोग अगर कभी ज़रूरत हो तो यहाँ आके नंबर लेके इसको कॉल कर सकते हो, और जानकारी दे दे प्लेस तो पैराडाइज होटल हो गया नेत्रहाट का, या फिर आरोही होटल, और इसका होटल का नाम जो है होटल नागवंशी करके है। देखिएगा छोटा सा होटल है, एक दुकान भी है, तो आपको बहुत अच्छा मिनिमम रेट में खाना मिलेगा, फ्रेश खाना, ठीक है। तो राज कैसा लगा, बहुत दिन बाद, मतलब 1 साल के बाद हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। दोबारा हम आएंगे तो तेरे जगह आएंगे, और जैसे मेरा जो भी वीडियो मतलब कोई भी देखेगा तो हम तुमको मतलब फोन भी जहाँ आया तो हम तेरे जगह भेजेंगे, ठीक है। ठीक के लिए तेरा नंबर हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो तुमसे मिले बहुत अच्छा लगा, फिर कभी आएंगे तो दोबारा मिलेंगे, हाथ मिला, ठीक है, चलो ना। हिसाब हो गया इसका कितना राज? 450 एक साल पहले आया था मैं, इसका एक दूसरा भाई भी था छोटा सा, और अभी बुढ़ा हो गया, ये पहचान भी नहीं रहा, इसका छोटा वाला फोटो है मेरे पास भाई। रहता साथ में तो दोनों भाई रहता ना भाई। हेलो भाई, हाँ हाय, सो मैं फाइनली पाइन फॉरेस्ट आ चुका हूँ, और ये फॉरेस्ट रिजर्व वाला एरिया है डाक बंगलो। सो यहाँ चारों तरफ जो है साफ सफाई, और एक पार्क टाइप का बना हुआ है, जो कि आगे कुछ कुछ और बन रहा है, वहाँ देखिए काम जो है प्रोग्रेस में लगा हुआ है। और इधर पाइन फॉरेस्ट का एक अलग व्यू, इधर ट्री हाउस बना हुआ है, देखिए वो वुड से बना हुआ है हाउस। ये पार्क है, एक अच्छा सा खूबसूरत सा पीसफुल नज़ारा मेरे चारों तरफ, ये है नेत्रहाट का पीसफुल जगह, देखिए
ये है पाइन ट्री, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल व्यू ऑफ नेतरहाट। फैमिली ट्रिप इतना भी पूरा नहीं है एक्चुअली। फैमिली ट्रिप इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को कि जैसे अगर फ्रेंड सर्कल में जा रहा हूँ कहीं या फिर अकेले जा रहा हूँ तो वहाँ एक अलग टाइप का व्यू बनता है। और ऐसे फैमिली ट्रिप में जो होता है कि सब चीज़ एक टाइम टेबल रूल रेगुलेशन के हिसाब से, टाइम से खाना, टाइम से सोना, सब चीज़ एक टाइम से होता है और टाइम से सब चीज़ होता है। एक ऐसा होता है कि फैमिली ट्रिप में पापा रहते हैं, मैं तो पापा के रहते हुए कोई टेंशन नहीं रहता है पैसा का, बजट कितना है कितना नहीं है, बस खर्चा करते रहो, जो मैंने सो खाओ पियो घूमते रहो, टेंशन नहीं है। मौसम साथ दिया इसीलिए घूम पाए, वरना अगर बारिश होती तो फिर तो बेकार ही था यहाँ आना। खैर इतना अच्छा मौसम था, मतलब धूप निकल गया और धूप ऐसा निकला है कड़ाके का धूप है। सो यहाँ ट्री के वजह से जो छाया पड़ रहा है उसकी वजह से धूप नहीं लग रहा है तो ठीक है, घूम सकते हैं, ठंडा ठंडा सा एक फील आ रहा है। चलो हटो 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 हटो, रुको ना यार, हटो ना यार। और ये है वुड हाउस, ट्री हाउस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एक उधर भी शेल्टर है वहाँ बैठने का। ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला रिजर्व एरिया है। सो इसको इसी टाइप से डाक बंगलो टाइप से यहाँ बड़े साहब लोग, बड़े अधिकारी लोग रहते हैं तो उनके हिसाब से ऐसा घर बनता है। तो ये देखिए चारों तरफ इस टाइप का है, बहुत ही खूबसूरत और मेंटेन किया हुआ है इतना अच्छा। वो उसमें डालता है ना एक पेंट टाइप का, वही ऐसा करता है। पहले इसको मशीन से कर दिया होगा प्लेन, उसके बाद यहाँ डाल दिया ताकि कभी वो खराब ना हो। ये क्या भैया? सो यही था फैमिली ट्रिप, और फैमिली ट्रिप ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे, मतलब पाम ट्री देख लीजिए और नेतरहाट ख़त्म। अब जो है घाटी का मज़ा लेंगे, दो चार बंदर के लिए वो बिस्किट वगैरह ले चुके हैं, उन लोगों को बिस्किट खिलाएंगे। बड़ा है ना वो, नहीं बकसता है। लो और ये नेतरहाट, नेतरहाट की घाटी देखिए कितना दूर तक का नज़ारा दिख रहा है। बाय बाय।
तो जाता है कहाँ खाएगा तुम देने एक दो डिलीट करते हैं तो उधर को बचाओ लोग उधर दो आगे 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 उधर तो उधर आगे वाला ले ली है मेरा हाथ में कैच की है बच्चा वाली जो ये देखो और बच्चा वाली दो 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 बाय बाय दो थोड़ा सा इधर दो एक दो पीस दो एक दो वो भी बच्चा देखिए हाइडन से हाइडन से ये वो पकड़ा है ये फोटो डाले होंगे हाइडन से खा रहे हैं हां चलो ना आप लोग बहुत खिलाएंगे हां चलेगी दोनों थोड़ा चूर कर दे रहे उससे अच्छा चूर क्या कर दे के खुदो ना बच्चों ने चलो देखो बचवा लेके आए आगे ओ दले ओ दे आगे आगे ओ तो उधर वो निश्चिंत है बाय बाय बच्चा को ले जाओ यार ऐसा मत रखो बाय बाय कितना प्यार से पकड़ती है ना नहीं है भाई नहीं है नहीं ये चमल जैसा दिख रहा है इसका आगे आगे फिर आ रहा है नहीं देखो इसको भी दे दीजिए बच्चा वाली है बैठा है ये बाप है कर दे नहीं माही है अरे अरे